मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे बचपन से करते आए हो बिल्कुल वही, x की टर्म्स एक तरफ, नॉर्मल टर्म्स एक तरफ। तो मैंने क्या किया, ये प्लस का 7 था इधर आके माइनस कर दिया, ये प्लस का 4x था माइनस का इधर कर दिया। यही करते हैं ना, x की टर्म एक तरफ, नॉर्मल टर्म्स एक तरफ, दैट इज माइनस 4 लेस देन 2x। अब 2 इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2। सही जा रही हूँ? इसका मतलब है x मेरा माइनस 2 से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। x मेरा माइनस 2 से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा मतलब कितना बड़ा होना चाहिए, माइनस 2 से इंफिनिटी। बड़ा मतलब मुझे रिजिड नहीं है तो हमेशा इंफिनिटी तक जाएंगे। अब इनइक्वालिटी बताओगे भी कौन सी आएगी, माइनस 2 में कौन सा ब्रैकेट, ओपन इंटरवल की क्लोज इंटरवल, ओपन ओपन इंटरवल, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ये ओपन इंटरवल। मैंने बोला भाई वैसे तो वे ऑफ राइटिंग लिखने का तरीका यही रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ स्कूल टीचर्स इसे काफी अच्छे तरीके से लिख के दिखाते हैं। क्या करते हैं वो करते हैं सबट्रैक्टिंग 4 ऑन 4x ऑन बोथ साइड, यानी कि आप एक तरफ से दूसरी तरफ। हां दीदी, हमें स्कूल में ऐसे ही करवाया। मैंने फिर बोला डिपेंड ऑन टीचर्स टू टीचर, सबट्रैक्टिंग माइनस 4x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ माइनस 4x से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x लेस देन 6x प्लस 7 माइनस 4x। अब ये कट जाएगा 3 लेस देन, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 7। अब मुझे 7 यहाँ से माइनस करना है तो क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग 7 ऑन बोथ साइड। अब वैसे एक्चुअली मैं देखो तो कर यही स्टेप्स रहे हैं, बस ये वे ऑफ राइटिंग होता है। कुछ टीचर्स कहते हैं भाई हमें तो ऐसा लिखा हुआ नहीं चाहिए। अब इस स्टेप की बात करते हैं, वो डिवाइडेड 2 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा माइनस 2 लेस देन इक्वल, मतलब लेस देन है। तो आप तरीका देखेंगे तो तरीका बिल्कुल वही, आंसर वही आता है, बस बेबी वे ऑफ राइटिंग हो जाता है, लिखने का तरीका है। अब आपका स्कूल टीचर कैसे करा रहे हैं आप प्लीज वैसे लिख के प्रेजेंटेशन करो, ठीक है। लकी बेबी स्कूल में कैसे कराया है, ऐसे कराया है, ऐसे कराया है, बेबी चैट बॉक्स में बता दो, आपकी आवाज नहीं आई। प्रांशु बेबी स्कूल में हुआ चैप्टर नंबर 6 कैसे कराया है, नाम हो तो गया लेकिन हम पता नहीं, एक बार ही देख लेना कैसे कराया, क्योंकि मैं फिर बताऊं प्रेजेंटेशन स्कूल टीचर के अकॉर्डिंगली करना। वैसे तो फर्स्ट वाला तरीका इनफ फन है, लेकिन अगर आपका स्कूल टीचर ऐसे प्रॉपरली लिख के करने को कहता है तो आपको वैसे ही प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक जा रही हो? हाँ, हमारे सर मैम वैसे उसके लिए फ्लेक्सिबल है, कहते कैसे भी कर सकते हैं। हाँ तो फिर फर्स्ट वाला तरीका ही फॉलो करो अगर फ्लेक्सिबल है तो।